पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस अद्भुत संगम स्थल तक पहुंचना अपने आप में बेहद रोमांचकारी है। गौमुख से निकलकर जब माँ गंगा हजारों स्थानों को अपने स्पर्श से पवित्र करते हुए सागर में मिलती हैं, तो वो दृश्य अत्यंत ही अलौकिक होता है। पतित पावनी माँ गंगा का दर्शन 3 स्थलों पर दुर्लभ माना गया है। गंगा सागर के तट पर ही महामुनि कपिल का भव्य मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर महामुनि कपिल ने कठोर तपस्या की थी। इसी जगह पर राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। अपने पूर्वजों को तारने के लिए महाराजा भगीरथ माँ गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाए। माँ गंगा की लहरों के अमृत स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल सका। तब से लेकर आज हजारों सालों के बाद भी लोगों के हृदय में ये दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से माँ गंगा ने सगर के पुत्रों का उद्धार किया, ठीक उसी तरह से वो अपने भक्तों का भी कल्याण करेंगी। यहाँ पे राजा सगर जो बगल में है, उन्होंने जो है उनके 60,000 पुत्रों को जो कपिल मुनि ने भस्म किया था, और उसके बाद जो है ये राजा सगर को जो है पुत्र जो है भागीरथ, उन्होंने जो है गंगा कर लेकर आए थे, और उसमें जो है 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर जो है मकर संक्रांति को जो है उसी दिन पृथ्वी पर गंगा आई थी। इसीलिए हर साल जनवरी के महीने में 7 दिन का गंगा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के अंदर सिंदूरी रूप में गंगा सागर में संस्कार का भी बहुत बड़ा महत्व है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ मुंडन संस्कार भी कराते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है, इसलिए सागर के तट पर बड़ी संख्या में लोग प्रतीकात्मक रूप से गोदान करके मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। हमारे जो पूर्वजन हैं, हमारी जो पितृ हैं, उनकी शांति के लिए यहाँ का स्थान एक महत्व रखता है, और उसी आस्था को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा जनसमूह एक आस्था के कारण यहाँ गंगा सागर के लिए स्नान करने के लिए आया है, तो प्रभु के अंदर तो पूरी आस्था है। कोई दीपदान करता है तो कोई जल के मध्य में भावांजलि अर्पित करता है। अलग अलग तरीके से माँ गंगा की स्तुति करते ये भक्त सुख और समृद्धि की कामना करते हैं।